स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट टू ऑफ द लिटिल गर्ल चैप्टर ऑफ बिहाई बुक. अप टू सिक्स पॉइंट वी हैव डन व्हेन हर फादर वाज स्कोल्डिंग हर वेरी बैडली फॉर टेयरिंग द पेजेस ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीच. नाउ लेट अस सी व्हाट लिटिल गर्ल वाज डूइंग. पॉइंट नंबर 7, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. शी वाज क्राइंग वेरी बैडली. She lay in the shadowed room, and dark room में वो सो रही थी. Watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Evening light, शाम को जो light आ रही थी सूरज की, making a sad little pattern on the floor. Sad little pattern में मंद मंद धूप होती है, floor के ऊपर light पड़ रही है. So she was watching that light. Then father came into the room with the ruler in his hands. फादर उसके रूम में आया, हाथ में डंडा है, स्टिक है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. मैं तुम्हें अभी पीटूंगा इससे. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड. स्क्रीम मतलब चिल्लाना, रोने लगी. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, ही पुल्ड देम असाइड. जो बेड क्लोथ्स बेड शीट थी उसके ऊपर उसको साइड में किया फादर ने. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. Father is in very angry mood. He said to her that I will teach you a lesson today. Then you will learn that not touch what does not belong to you. जो चीज़ तुम्हारी नहीं है आज के बाद तुझे उसे टच नहीं करोगी. ये मैं लेसन तुम्हें आज सिखा के ही रहूँगा. But it was for your birthday. लेकिन पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने किया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक आर्म्स. इतना वो बोली थी, कितने में क्या हो गया, उसके पिंक पिंक पाम्स पे, गुलाबी गुलाबी हाथों पे वो डंडा उसने फादर ने मार दिया. पॉइंट नंबर 8, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रोक्ड हर इन द रोकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. अब कुछ घंटों बाद ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर. रैप्ड हर का मतलब क्या होता है, कवर्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. जैसे झूला देते हैं रॉकिंग चेयर के अंदर. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. क्लंग का मतलब होता है स्टिक, चिपक जाना, बॉडी के सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपकी हुई है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर शी सॉफ्ट. रो रही है. सॉफ्ट का मतलब होता है सिक्कियाँ ले लेके रोना, कि फादर भगवान जो है ये फादर्स किस लिए बनाए हैं. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. रो रही थी, नाक बहने लगी. मदर ने कहा ये क्लीन हैंकी है, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. अब सो जाओ, तुम भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब जो next time उसने जब फादर को देखा तो अपने दोनों हाथ जो है बैक पे छिपा लिए. a red color flew into her cheek. डर के मारे उसका चेहरा जो है वो लाल हो गया. Point number 9. The McDonald's live next door. अब McDonald's क्या हैं, उनके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, बिल्कुल साथ में रहते हैं. दे हैड 5 चिल्ड्रन. हाउ मेनी चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. फेंस क्या होता है, जो सात दरवाजा है, दीवार है, ये फेंस बनी होती है, उसमें जो गैप है उसमें से वो क्या देख रही है, कि वो खेल रहे हैं, गेम खेल रही हैं, टैग गेम. टैग गेम क्या होती है, मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, पकड़म पकड़ाई जिसको आप कहते हो. तो वो खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी माओ. बच्चे का नाम क्या है, माओ. नाम है बच्चे का माओ. ऑन हिज शोल्डर्स टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर. तो अब उसके 5 बच्चे हैं, माओ जो है उसके सिर के ऊपर बैठा है, ठीक है, और जो बेटी हैं वो क्या हैं, साइडों में पॉकेट पकड़ के वहाँ घूम रही हैं. तो एक जो छोटा बेटा है वो ऊपर बैठा हुआ है इसके, और जो बेटीज़ हैं कोट की पॉकेट्स को पकड़ के गोल गोल वो घूम रही हैं. वंस ही सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम
and he tried to catch them laughing all the time. Yes, once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. जैसे वो देख रही है कि वो बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. Then it was she decided there were different sort of fathers. जब देखा कि ये भी तो फादर है, मैकडोनाल्ड भी तो फादर है, अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहा है खुश होकर, कहते कि डिसाइड करती है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर. सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी जब बीमार हो गई एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक. अब उनके घर में एक कुक है, मेड है, इसका नाम क्या है, अलाइस. That was all right in the daytime. और दिन में तो उसके साथ रह गई अकेली, क्योंकि मदर भी बीमार है. मदर और जो ग्रैंड मदर हैं वो कहाँ चले गए, हॉस्पिटल में. तो लिटिल गर्ल किसके साथ घर पे अकेली है, एलिस के साथ. तो मॉर्निंग डे टाइम में तो ओके था, चलो ओके, दिन गुजर गया. उसके बाद देखें, ये देखिए आप मैकडोनाल्ड की पिक्चर है और उसकी फैमिली है, ये बच्चे देखो आप खेल रहे हैं और ये फैंस है, इसमें से वो देख रही है. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब जब रात हो गई, दिन में तो हो गया, लेकिन जब रात को वो सोने लगी तो उसी सडनली अफ्रेड, डरने लगी वो. What will I do if I have a nightmare? Nightmare का मीनिंग होता है बैड ड्रीम. अगर रात को डरावना सपना आ गया तो क्या करूँगी. She asked, I often have nightmares. Often का मतलब क्या होता है, अक्सर, बार बार. And then granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets विस्परी. ग्रैनी कौन है, उनकी ग्रैंड मदर, तो मुझे जो है अपने बेड में सुला लेती है. इट ऑल गेट्स विस्परी, मेरे को डार्क में नींद नहीं आती, मुझे लगता है जैसे कोई बोल रहा है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड अलाइस. अलाइस क्या बोले, बेटा अब तुम सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा. पापा घर में सो रहे हैं, चिल्लाना मत, उनको सोने दो. पुअर पापा मतलब यहाँ क्या दिखा रहा है कि वो थके होते हैं सारा दिन, तो उनको आपने उठाना नहीं है. बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन जैसे सोच रही थी वो पुराना सपना जो है, हॉरिबल ड्रीम आ गया. द बच्चर विद द नाइफ एंड रोप. बच्चर क्या होता है, कसाई, जो एनिमल्स को मारते हैं. विद द नाइफ एंड रोप हु केम नीरर एंड नीरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. उसके पास आ रहा है, ये सपना चल रहा है उसका. वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट. तो वो कोशिश कर रही है हिलने की, भागने के लिए, मूव नहीं कर पा रही है. क्राइंग आउट, चिल्ला रही है, ग्रैंडमा. शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड. जब उतनी जाग गई, शिवरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, देखा कि फादर उसके पास खड़े हुए हैं, एक कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट इज द मैटर, ही सेड. बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, तो डर गई थी सपने में, मदर है नहीं, ग्रैंड मदर है नहीं, दोनों हॉस्पिटल में है. तो क्या कहती है, ओह बच्चर ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी. कसाई था, चाकू था उसके पास. आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी के पास जाना है. डर गई थी वो. ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. ने मोमबत्ती बुझाई, नीचे झुका और गुड़िया को अपने बाहों में ले लिया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her. Newspaper padha to utha diya, usko gudiya ko sulaya, saath mein wo bhi so gaya. Half asleep still, still with the butcher's smile all about her it seemed. Abhi wo aadhi neend mein hai, lekin butcher ki smile fir se dikh rahi hai. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Papa ke saath bilkul pakad so gayi hai. Then the dark did not matter. She lay still. अब उसके बाद जब पापा के साथ चिपक के सोगी तो डार्क डिड नॉट मैटर. अब अंधेरे से उसको डर नहीं लग रहा है. She lay still. Father से क्या बोला, Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पैर ठंडे हो गए उसके, तो उसके रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म. अपनी लातों को, पैरों को मेरे लातों के साथ रगड़ लो, गर्म हो जाएंगे. So tired out, he slept before the little girl. थका हुआ था वो सो गया. A funny feeling came over her. Poor father. मन में एक फनी सी फीलिंग आ गई. अब बिल्कुल नज़दीक से पापा को देख रही है. क्या कहती है, Poor father. Not so big. इतने बड़े भी नहीं है after all. And with no one to look after him.
पापा की देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। पापा मेरे जो है ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड हैं, बट इट्स ए नाइस हार्डनेस। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। वो सोचते कि पापा सारा दिन काम करते हैं, इतने थक जाते हैं तो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकते। देखो खुद की फीलिंग चेंज हो रही है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। अब उसको याद आता कि पापा ने ब्यूटीफुल राइटिंग जो स्पीच बनाई थी वो उसको मैंने फाड़ दिया था। तो शी स्टर्ड सडनली, एकदम से हिल शेकिंग हो जाती है, साइड आहें भरती है। वो सीन याद आया था डंडे वाला। What is the matter? asked her father. Another dream? पापा ने फिर जाग गए, क्या हुआ बेटा, फिर से सपना आ रहा है? Oh, said the little girl, my head is on your heart. Oh, ऐसे बोला लड़की ने, तो my head is on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो मन में क्या बुरी है, my head is on your heart, मेरा सिर जो है आपके दिल पे है, I can hear it going, धड़कन सुन रही थी। What a big heart you have गॉड फादर डियर, यू क्या आपका दिल जो है कितना आवाज़ कर रहा है, वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो ये एक स्टोरी थी। लास्ट में आके जैसे ही फादर के पास गई तो उसको लगने लग गया कि नहीं नहीं मेरे पापा भी अच्छे हैं। कई बार जो फादर की स्ट्रिक्टनेस होती है ना उसमें भी प्यार होता है, कई बार पापा की मार में भी प्यार होता है। वो लगता है कि वो हमें बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो है वो वेलफेयर ही सोचते हैं, भलाई ही सोचते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी लिटिल गर्ल की, जो बिगिनिंग में अपने फादर से डरती थी लेकिन लास्ट में जो है उसकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर हमने इसके पहले कर लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड पार्ट कम्प्लीट कर लिया था हमने ये वाला, और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम करेंगे इसका जो पेंडिंग क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और रह गए हैं वो आज आपने करने हैं। देखिए इसके जो क्वेश्चन हैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केजिया डिसाइड दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स, व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। ये क्वेश्चन आपने करना है, आपने पढ़ लिया मिस्टर मैकडोनाल्ड के बारे में, कंपेरिजन करना है आपने उसके फादर में और मैकडोनाल्ड के बीच में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग हु नीड्स इन सिंपथी। अब लास्ट वाला सीन जो आपने देखा था जब पापा के पास हो जाती है, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग हु नीड्स इन सिंपथी। सिंपथी का मतलब क्या होता है, काइंडनेस, इसको सहानुभूति भी कहते हैं। तो कैसे वो अपने फादर को देखती है कि ये ऐसा इंसान है जिसको किस चीज़ की ज़रूरत है, सिंपथी की ज़रूरत है, काइंडनेस की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन किए हैं, इसकी समरी क्वेश्चन आंसर आपने कर लेने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।